आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो स्वागत आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली और फ्रेंड्स ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है कि सिंगल लोगों की लव लाइफ में क्या आने वाला है। तो एज यूजुअल यहाँ पर मैंने तीन कार्ड लिए हैं, आप तीनों में से किसी भी को चूज कर सकते हैं, किसी भी एक कार्ड को चूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज स्पिरिट वीवर एंड देन वी हैव द सेकेंड कार्ड दैट इज रिवर वुमन। उसके बाद है हमारे पास द एशियंट। सो आप तीनों में से किसी एक को भी चूज कर सकते हैं। इन तीनों का टाइम जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो भी कार्ड आपको पसंद आए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर अपने पाइल वन के आगे जो टाइम लिखा है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पाइल टू पाइल थ्री सबका टाइम लिखा हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हाय एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने पाइल वन चूज किया है या स्पिरिट वीवर का कार्ड चूज किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग। स्पिरिट वीवर का कार्ड जो है इट टॉक्स अबाउट दैट यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। आपके अंदर मैजिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैजिक उन्हीं लोगों के लिए होता है जो बहुत लकी होते हैं या कुछ ही लोग होते हैं जिनको वो चीजें लाइफ में मिलती हैं, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कि आप में एक मैजिक है, यू हैव अ पावर, आप में एक शक्ति है, एक पावर है जिसके थ्रू अपनी लाइफ में जीवन में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड अगेन इट्स अ लव रीडिंग, तो ये लव से बहुत ज्यादा रिलेटेबल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में काफी चीजें जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ के अंदर अपनी एनर्जी के हिसाब से। सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम एक स्टेबल रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें वो मिल नहीं रहा। उसके रीजन जो होते हैं वो ये होते हैं कि हम उस एनर्जी में नहीं है जहां पर हम खुद से स्टेबल ढूंढ रहे हैं। बेशक हम उस बारे में बात कर रहे हैं बट हमारे एक्शंस वैसे नहीं है। हम अपनी लाइफ में उन लोगों को भी महत्व दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो खुद नहीं चाहते हैं कोई स्टेबल रिलेशनशिप, उनको भी एंटर करने दे रहे हैं एंड फिर हमारी ये शिकायत होती है कि लाइफ में कुछ स्टेबल नहीं है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर यू गाइस जिन भी लोगों ने पाइल वन चूज किया है। चलिए देखते हैं आप लोगों की करेंट एनर्जी क्या है। ओके पीपल हु पिक्ड पाइल नंबर वन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स। प्लीज स्पिरिट गाइड्स हमें बताइए पाइल नंबर वन की करेंट लव एनर्जी क्या है। वी हैव द कार्ड ऑफ स्कॉर्पियो, वाओ। वी हैव द कार्ड ऑफ सेकंड हाउस। सेकंड हाउस टॉक्स अबाउट आपकी फैमिली एंड ऑल्सो टॉक्स अबाउट वेल्थ। ये बात करते हैं आपके संस्कार के बारे में, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के बारे में, बिकॉज ये वेल्थ का भी होता है भाव। स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में चल रही है अभी। सो ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पर यह भी मतलब बनता है कि आपको यूनिवर्स कुछ चीजों से डिटैच होना सिखा रहे हैं, कि हो सकता है कि आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, काफी इमोशनल पर्सन आप हो सकते हैं, बट यूनिवर्स आप में एक चेंज ला रही है, बदलाव ला रही है ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल सिक्योर कनेक्शन जो है वो लेके आ सके। हो सकता है कि अभी का जो आपका टाइम है वहां पर आप बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आगे का आपको रास्ता नहीं दिख रहा है या चीजें बहुत क्लियर नहीं है जो स्कॉर्पियो के कार्ड से मुझे दिख रहा है। इसका रीजन जो है वो ये है कि देखिए जब ये कार्ड यहाँ पर आता है ना तो ये बात करता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत चीजों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि ये भी पता चल जाए, ये कैसा होता है वो पता चल जाए, और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा चीजों के बारे में ठीक से सोच समझ नहीं पा रहे क्योंकि हम एक यहाँ पे एक फियर है, जैसे कि फियर होता है ना कि डाउट वाला, अपने ऊपर डाउट होना कि पास में कोई चीज हुई है तो उसको लेके अपने ऊपर डाउट करना, वो वाली एनर्जी जो है ना वो मुझे यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स के थ्रू दिख रही है। बट अच्छी बात ये है कि यूनिवर्स आपको इस चीज पे वर्क करा रही है क्योंकि यहाँ पे सेकंड हाउस का कार्ड आया है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ एंड अट्रैक्ट समथिंग स्टेबल, कि आप अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकें। और साथ ही साथ ये थोड़ा करियर से भी जुड़ा हुआ है कि करियर में भी अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो करियर में भी आपकी चीजें जो है वो बन सके, क्योंकि यहाँ पे मुझे मटेरियलिस्टिक चीजें भी दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर वन, थैंक यू सो मच पाइल नंबर वन स्पिरिट गाइड्स, इनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है।
आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा ऑन अ इमोशनल लेवल, जो आपको आपने आपको लेके कॉन्फिडेंट महसूस कराएगा, आपको ये फील कराएगा कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें, जो मुझे बहुत ही सूदिंग एनर्जी आ रही है। कोई सेजिटेरियस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, पाइसिस स्कॉर्पियो भी पर्सन हो सकता है, बट जो भी पर्सन हो, जो भी इस पर्सन का साइन हो, काफी समझदार और मैच्योर पर्सन दिख रहे हैं, जो आपकी लाइफ में एक पीस लेके आने वाले हैं, काइंड ऑफ पीस यूनिवर्स, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन देयर लव लाइफ। यस, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल। ओके, एक और कार्ड निकालेंगे फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे आपकी। वाओ, फोर ऑफ वॉन्ड्स, लकी यू गाइज। ओके, स्टार कार्ड से हम शुरू करते हैं। तो अगर हम स्टार कार्ड की बात करें, जस्ट अ सेकंड, में कार्ड जरा ठीक से लगा लूं, बिकॉज ये कैमरा काफी ऊपर लगा हुआ है तो मुझे पता नहीं चलता कि आपको कैसा व्यू आ रहा है इसका। ओके, सो व्यू जो है वो ठीक है यहाँ पे, जो मुझे लग रहा है। आई होप कि आप ज्यादा क्लियर हो। ओके, सो स्टार कार्ड मुझे यहाँ पर आपकी लव लाइफ में एक बहुत ही हीलिंग दिखा रहा है, क्योंकि अगेन स्टार हीलिंग दिखा रहा है। कोई फ्रेंड्स के थ्रू आपको सपोर्ट मिल सकता है, स्टार कार्ड से मुझे यहाँ पर वो भी दिखाई दे रहा है। विद एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ना, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सो यस, आई वॉज सेइंग कि एट ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर दिखाता है कि आने वाले टाइम में, जैसे कि ये वीडियो है कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन लव, सो आने वाले टाइम में किसी चीज को लेके आपको कन्फ्यूजन रह सकती है। एट ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि पास्ट की चीजें अभी भी आपको डरा रही हैं, हॉन्ट कर रही हैं, जैसे कि पास्ट में किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है और वो आपके दिमाग पे इतना असर छोड़ गई कि आपको हर एक चीज जो है ना वो नेगेटिव लगती है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन या फ्रस्ट्रेशन ऐसा महसूस आपको यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अच्छी चीज जो है यहाँ पर वो है ये कार्ड द फूल। ये सबसे बेस्ट कार्ड है यहाँ पर, क्योंकि फूल बात करता है कि अपने आप को ऐसी बेड़ियों से रिलीज करना, उन बेड़ियों से रिलीज करना, बाहर निकलना और दोबारा से लाइफ में रिस्क लेना, स्पेशली इन योर लव लाइफ। सो दिस इज व्हाट दिस कार्ड टॉक्स अबाउट, कि इन फ्यूचर आप अपनी लव लाइफ में कोई रिस्क लेने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट आई एम सीइंग अ वेरी स्टेबल कनेक्शन फॉर यू गाइज। कि कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद अब तक आप शादी के लिए नहीं देख रहे हैं या कुछ स्टेबल नहीं देख रहे हैं, तो अब आप इन फ्यूचर वो देखने वाले हैं, क्योंकि आप उन सारे अपने पुराने डरों को पीछे छोड़ रहे हैं और लाइफ में एक नई ताज़ा एक यू नो एक साइकिल शुरू करना चाहते हैं। फोर ऑफ वांड्स मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि अगेन जब आप ये रास्ता बनाएंगे ना, जब ये जगह क्लियर करेंगे, आप अपना स्पेस क्लियर करेंगे, तो बहुत चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग और इमोशनल पर्सन आ सकता है, जो फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यहां पर बता रहा है। चलिए थोड़े से कार्ड्स और देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर वन, जिन भी लोगों ने स्पिरिट वीवर का कार्ड चूज किया था। ओके, वी हैव द हैंड्स ऑफ कार्ड टेकिंग अ चांस। वाओ, पाइल नंबर वन, सी जो मैंने बोला वही यहाँ पर कार्ड आया है, दैट आप इन फ्यूचर एक चांस लेंगे, रिस्क, बीइंग स्ट्रैटेजिक, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड्स एंड गैम्बलिंग। तो ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि इन फ्यूचर आप लोग रिस्क लेंगे अपनी लाइफ में, चांस लेंगे, दोबारा से अपनी लव लाइफ, आप उसके जो रास्ते होते हैं ना वो ओपन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। We have the card of sunglasses, watching, looking, stalking. हो सकता है फिर भी आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हो जिनकी इंटेंशन आपको लेके ठीक ना हो। अगेन आप लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो, आप यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि अब आप सब कुछ सीख चुके हो कि क्या चीज यू नो कोई पर्सन झूठ बोल रहा है या कोई पर्सन सच बोल रहा है, अब वो चीजें आपको समझ में आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो डोंट वरी, बहुत जल्द आपको ये सब कुछ गाइडेंस जो है वो स्पिरिट गाइड्स देने वाली है। हो सकता है आप लोगों को पिजन्स, व्हाइट कलर का पिजन या व्हाइट कलर की बर्ड्स दिखती हो। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ कीज ऑन द रिंग, ये कार्ड बात करता है मैनी ऑप्शंस, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस इन फ्यूचर आ सकते हैं। अगेन मुझे यहाँ पर कुछ लोग कॉलेज के थ्रू, डेटिंग ऐप के थ्रू बात करते हुए दिख रहे हैं। एंड वी ऑल्सो हैव डिसीजन, स्ट्रिंग अलोंग, वन नाइट स्टैंड। तो कुछ लोग, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे लोग भी मिले जो आपके साथ वन नाइट स्टैंड चाहते हैं या कैजुअल कनेक्शन चाहते हैं, बट मुझे दिख रहा है कि आप अब इतने स्मार्ट हो जाओगे कि आप इन लोगों को बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर लोगे,
और आप उसी पर्सन पे ज्यादा एनर्जी डालोगे या फोकस करोगे जो आपको लाइफ में कुछ स्टेबल देगा, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है आप में से कुछ लोग 14th फरवरी को डेट पे कहीं जाने वाले हो, या उस वीक में 17th, 14th, 15th या 12th को कहीं ना कहीं आप लोग जाने वाले हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, जस्ट फॉर फन एंड जस्ट टू गो आउट, ऐसी चीज मुझे दिख रही है कुछ लोग ले। अगर ऐसा हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, बिकॉज वो चीज यहाँ पर आ रही है। एक और कार्ड निकालेंगे। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर वन एक मैसेज है, पेशेंस माई चाइल्ड, पेशेंस, वट एवर दैट यू डिजायर विल कम टूवर्ड्स यू, यू रियली डोंट हैव टू वरी, जो भी आप चाहते हैं वो आपकी तरफ आएगा, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, विश्वास रखना है कि आप उस चीज को डिजर्व करते हो और उतनी ही जल्दी वो चीज आपकी लाइफ में आएंगी, चाहे ये करियर से रिलेटेड है, चाहे लव से रिलेटेड है, और ये एक इंट्यूटिव मैसेज है आपकी स्पिरिट की तरफ से, बिकॉज माई आईज आर क्लोज एंड एनर्जी बहुत स्ट्रांग है पाइल नंबर वन, तो आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है, एंड जैसे होता है ना कि गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, तो आप लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑल दो हर एक स्पिरिट गाइड के लिए उनका जो पर्सन होता है वो फेवरेट होता है, बट आप बहुत फेवरेट हो, एंड आपकी स्पिरिट गाइड जो है ना कोई ऐसी है जो आपको बहुत पैम्पर करती है, बहुत प्यार करती है, बहुत लविंग नज़र से आपको देखती है, और वो चाहती है कि आप हंसते रहो, हैप्पी रहो, उस तरीके की यहाँ पे एक एनर्जी मुझे आ रही है, और थोड़ा काम रहो, पीस में, कि जैसे ऐसा होता है ना कि एक फ्लो की तरह एनर्जी जा रही है एंड उसमें आप एनर्जी को जाने दे रहे हो, बिकॉज अगेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने आप में बिलीव करते हैं, एंड वही सेम चीज स्पिरिट वीवर कार्ड से भी दिखाई दे रही है मुझे, अगर आप यहाँ पर डिजाइन देखें तो या पिक्चर को देखें तो, कि शी इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि उनको ट्रस्ट है अपने ऊपर, एंड वो चीज यहाँ फूल में भी दिख रही है, एंड कॉफी कप के कार्ड पे लिखा है, मीटिंग एंड कन्वर्सिंग, सैवरिंग द मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टेड एंड फ्रेंडशिप, तो अगेन आप लोग किसी के साथ कॉफी पे जा सकते हो आने वाले टाइम में, आने वाले 28 days, कुछ लोग के लिए 14 दिन, कुछ लोग के लिए 28 दिन, कुछ लोग के लिए अप्रैल का मंथ काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब कि इस टाइम में कुछ अच्छी आपको गुड न्यूज मिल सकती है लव लाइफ को लेके, ओके, सो चलिए कुछ ओरेकल कार्ड्स निकालते हैं आप लोगों के लिए, जस्ट अ सेकेंड। हम देखेंगे एंजल आंसर से, फिर एक और निकालेंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। पाइल नंबर वन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज है इन लोगों के लिए, चूज अ न्यू डायरेक्शन, वाओ पाइल नंबर वन, सो चूज अ न्यू डायरेक्शन यहाँ पर बात करता है अगेन कि स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर आना है, जो पास्ट ही फियर है, मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको जो भी डर लगता है ना, या जो भी पास की चीजें हैं जिनसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उनको एक पेपर पे लिखो, पेपर पर लिखो आराम से बैठ के, ठीक है, उसके बाद उस चीज को बाद में एंड में पढ़ो और फाड़ के उसको आप फेंक सकते हो, या फिर आप उस पेपर को जला भी सकते हो, ये एक तरीके का रिलीज स्पेल भी होता है, ओके, सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन, इन फ्यूचर आप कोई नया डायरेक्शन जो है यहाँ पर चूज करोगे, जो मुझे लग रहा है। चलिए दूसरे ओरेकल कार्ड से देखते हैं, डेक से, जस्ट अ सेकेंड, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, और पाइल नंबर वन, क्या मैसेज है इनके लिए पाइल नंबर वन के लिए, ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि कार्ड पहले मुझे दिखा था, मुझे लगा मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोलूँ, बट फिर आई इग्नोर्ड इट, बट ये अपने आप आ ही गया। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो है वो यहाँ पर बात कर रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वी हैव अ बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई की तरह यहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, कि आप एक बटरफ्लाई में यहाँ पे बदलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ग्लो अप मुझे दिख रहा है आपके लिए, आप लोगों के लिए, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर वर्क करें, कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन का और अपने बालों का हेल्थ का ध्यान रखें, बिकॉज आप में से कुछ लोगों की शादी होने वाली है काफी जल्दी, हो सकता है 2022 के एंड में हो जाए, तो इट्स नेसेसरी फॉर यू गाइस कि आप अपना थोड़ा ध्यान रखें इस टाइम, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको बाद में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो यस, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मुझे यहाँ पर यही दिखा रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आपकी लाइफ में जो है वो बिल्कुल आने वाला है, जो शायद आपको अभी फील नहीं हो रहा है। सो अगेन यही मैसेजेस जो है वो मुझे आप लोगों के लिए दिख रहे हैं,
पीछे से जो साउंड आ रहा है काइंडली इग्नोर इट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है तो ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग आप लोग करा सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी सॉरी इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। मैं वहाँ पे कार्ड रीडिंग्स डालती हूँ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में डालती हूँ। एंड अगेन, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे बहुत सपोर्ट मिलता है, मैं भी मोटिवेटेड फील करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने रिवर विमेन का कार्ड चूज किया है, ओके, सो ये जो कार्ड है इट टॉक्स अबाउट कि रिवर वुमेन एक ऐसी विमेन है जिनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, पर फिर भी वो बहुत आराम से उस चैलेंजेस प्रॉब्लम से बाहर आ जाती हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो इस चीज़ में मानती हैं, बिलीव करती हैं कि अगर हम किसी फियर को फेस कर रहे हैं, किसी डर का सामना कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम उसका सामना करके उस चीज़ से ऊपर उभर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, उस बारे में ये जो कार्ड है वो बात करता है। तो एक तरीके से ये आपके लिए भी एडवाइस है कि अगर कोई डर है, कोई फियर है, तो उससे आगे बढ़िए। बेशक उसको आपको फेस करना पड़े, लेकिन उसको फेस करने से आपकी ग्रोथ ही होगी, आप बहुत सीखोगे और वो जो डर है, भय है, वो निकल जाएगा और आगे जाके वही चीज़ एक सेलिब्रेशन का कारण बनेगी जो ये कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है। चलिए अब देखते हैं आपकी करंट एनर्जी पाइल नंबर टू, कि आपकी करंट लव एनर्जी क्या है, उसके बाद हम बाकी की रीडिंग देखेंगे। थैंक यू व्यूअर्स। Pile number two, river woman, please help me to help them, to guide them, to heal them. कुछ लोग यहाँ पर बहुत स्ट्रांग, जो मुझे लग रहा है काफ़ी सेंसिटिव और साइकिक लोग ये वीडियो देख रहे हैं। पाइसिस बहुत स्ट्रांग आ रहा है यहाँ पे, कैंसर स्ट्रांग है, केप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो भी हो सकता है, या फिर एक्वेरियस। ओके, वी हैव द कार्ड केप्रिकॉन, वी हैव द लियो। ओके, सो लियो एंड केप्रिकॉन, बोथ ऑफ दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी कि आप बहुत ही एक फायरी पर्सन है, कि जैसे कि होता है ना कि जब गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है, कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में, रियलिटी में बहुत चीज़ें बन नहीं पा रही है, जिस वजह से वो थोड़ा कम हो गया है। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि सपने हैं, बहुत सारे सपने हैं, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि हालात की वजह से थोड़ा सा मजबूर चलते हुए मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की 30 प्लस एज हो सकती है, या लेट 20 में भी कुछ लोग आप हो सकते हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पर, एंड अब आपको लगता है कि जैसे कि पहले होता था ना कि बहुत फैंटसीज थी कि ये चीज़ चाहिए अपने पर्सन में, या ये क्वालिटी चाहिए रिलेशनशिप में, अब आपको वो उतनी चीज़ें यहाँ पर नहीं लगती हैं। अब आप थोड़ा समझदारी से चलते हो, क्योंकि हो सकता है पहले आपका शनि की अंतरदशा आई हो, या कोई ना कोई शनि की महादशा रही हो, ऐसा कुछ टाइम पीरियड रहा है जहाँ पर आपने काफ़ी कुछ सीखा है। इस समय ने आपको बहुत मैच्योर बनाया है, यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग ओल्ड सोल दिख रहे हैं, और बहुत कहते हैं ना आउल की तरह, उल्लू की तरह वाइज लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर टू में। चलिए कार्ड से देखते हैं टैरो डेक से। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर टू, लेट मी जस्ट शफल दीज कार्ड्स, हैव पेशेंस। आंखें बंद करिए, यूनिवर्स से पूछिए क्या आने वाला है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए टावर मोमेंट दिख रहा है। जिन लोगों को टावर कार्ड के बारे में नहीं पता है, तो कुछ सडन चेंज आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, या आपका जो सोचने का या देखने का तरीका है दुनिया को और लव लाइफ को, उसमें कुछ चेंज आने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिटेशन आपको आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट करेगा, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने इमोशंस को एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे दूर भाग रहे हैं कुछ लोग। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ओके, पाइल नंबर टू की करंट एनर्जी क्या है स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हमें बताइए। आप में से काफी लोग पास्ट में बहुत ज्यादा स्टक है, किसी पास्ट के पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं आप में से कुछ लोग, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोग किसी का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं जो पास्ट के पर्सन है, एंड यूनिवर्स का आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैसेज है कि उस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर के चांसेस काफ़ी कम हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप अपनी सेल्फ लव पे ज़्यादा ध्यान दें, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम सीइंग कि काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपके जीवन में आती जा रही है, एंड चैरियट कार्ड यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारी
कहते हैं ना वही चीज जो मैंने आपको पहले बोली कि एक मैच्योरिटी आ गई है, तो आप बढ़ रहे हो आगे की दिशा में, आपको पता है कि कैसे क्या करना है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हीलिंग यहाँ पर अभी मुझे दिख रहा है कि अभी कुछ चीजें रह गई हैं जो हुई नहीं है, जो अभी होना बाकी है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है कि आप बहुत ईगरली वेट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में कुछ होने का, कुछ पाने का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हमेशा पॉजिटिव ही रहिएगा चाहे कुछ भी होता है, क्योंकि हर एक चीज़ आपको अच्छा एक लेसन देके जाती है। बट इट डजेंट मीन कि जो पास्ट में जैसा पर्सन आया वो दोबारा पर्सन वैसा ही आएगा, लेकिन हाँ इसका मतलब ये भी होता है कि पास्ट में जो सीखा है लेसन उसको याद रखो, लेकिन दिल में किसी के लिए भारीपन मत रखो या कोई ग्रज मत रखो, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए देखते हैं कि क्या आने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में। थैंक यू सो मच पाइल नंबर टू के लिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से रीडिंग मैच करती है, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहीं ना कहीं ये चीज मुझे भी मोटिवेट करती है कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊं। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज हमें बताइए पाइल नंबर टू के लिए। आप पर्सनल पेड रीडिंग कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। We have the card Knight of Pentacle, Knight of Swords. In future हो सकता है आपकी लाइफ में दो पर्सन आ सकते हैं, एक अर्थ एनर्जी है एक एयर एनर्जी है। अर्थ हो गया आपका वर्गो कैप्रिकॉर्न टॉरस, और एट नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपका हो गया एक्वेरियस जेमिनी एंड लिब्रा। बट एक एडवाइस देना चाहूंगी, बहुत ज्यादा साइन पे मत जाइएगा। या तो एक पर्सन ऐसा होगा जो लाइफ में चीजों को बहुत स्लो करके करता होगा या करती होगी, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की जो पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते होंगे, उनको चीज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए, वो वाली चीज है यहाँ पर, कि जो अपने भावनाओं से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है बट हर चीज में सीधा सीधा उस पर्सन को चाहिए चीज, जल्दी जल्दी बोलते होंगे पर्सन, ये चीज भी यहाँ पर हो सकती है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर पहली चीज तो ये दिखा रहे हैं कि आप इन फ्यूचर अपने ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हो करियर में, अपनी पर्सनालिटी पे। हो सकता है कि आप लोग पहले ऐसे थे कि आप काफी इंट्रोवर्ट थे, बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते थे या अपनी चीजों को आगे नहीं रख पाते थे जो आप खुद से चाहते हो, और ये होता था कि कनेक्शन में हमेशा आप गिविंग होता था आपका, सामने वाला सिर्फ बोल रहा है आपको, बहुत सुना रहा है, आप कुछ बोल नहीं पाते थे। तो मुझे आप उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आप भी खुद काफी स्लो लेवल से ही आगे बढ़ रहे हो, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। बट हाँ, आपको ये है कि अब मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ या रिस्पेक्ट करती हूँ, तो कोई भी ऐसी चीज होगी जहां पर मुझे ऐसा महसूस होगा कि पर्सन मुझे इंसल्ट कर रहा है या मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या मुझे समझता नहीं है, तो मुझे वो चीज अब टॉलरेट नहीं करनी है, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी इन फ्यूचर आती हुई दिखाई दे रही है पाइल नंबर टू। एंड आप ना चीजों को बहुत इम्ब्रेस कर रहे हो, मतलब कि आप समझ रहे हो कि ठीक है टाइम लग रहा है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन मुझे पहले अपने आप को समझना है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया जो कि बताता है कि कोई पर्सन जो कि अपने साथ बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। वो पर्सन अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है कि मेरा दिल क्या चाहता है या मेरा मन क्या चाहता है। या आप लगा लीजिए कि जीवन में कभी ऐसा टाइम आता है ना कि जब आप किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत शांति देता है, इनर पीस देता है, और अपने आप से बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं मीटिंग चलती है आपकी, जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से फील होता है कि जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत कुछ अपने बारे में ऐसी चीज़ें पता होती हैं जो कभी रियलाइज़ ही नहीं करी होती कि हम में भी ऐसी चीज़ें हैं या हम भी इस नेचर के हैं। तो वो बहुत अच्छा पीरियड है, एक अच्छा टाइम है जो आगे आएगा, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये समझ आ जाएगा कि आप कैसे पर्सन हो और आपकी लाइफ में किस तरीके का पर्सन आना आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानते तो हम अपनी पसंद का या उस नेचर वाले पर्सन को लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाते, उस एनर्जी वाले पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ओके, वी हैव द कार्ड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। पास्ट की चीजों से आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है पास्ट की जो भी चीजें थी उन सारी चीजों को छोड़ के आप मुझे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अगेन कोई पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे हो, मुझे वो लोग भी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वाओ, एस ऑफ कप्स, लॉट ऑफ सेल्फ लव। बहुत जरूरी है ये पाइल नंबर जो आप लोगों के लिए, दोबारा से अपने उस हार्ट में लव को डालना, रिफिल करना, जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर पाइल नंबर टू आप लोगों के लिए। चलिए थोड़े से
और कार्ड निकालती हूँ मैं, ओरेकल कार्ड, जिससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि और क्या क्या आने वाला है, क्योंकि अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, काफी सारे लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं. प्लीज स्पिरिट गाइड्स. पाइल नंबर टू आपके लिए गुड न्यूज भी आप है. सो कुछ लोगों को न्यू जॉब ऑफर मिल सकता है, कोई प्रमोशन मिल सकता है, या आप कहीं पर अगेन जैसे कि कहा जॉब ऑफर मिल सकता है, किसी चीज में आप बहुत टाइम से लगे हुए हैं वहां पर आपको सक्सेस मिल सकता है. आने वाले 6 महीने में बहुत स्ट्रांग आ रहा है. कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ 2022 का बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर टू. इनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है? Girl talk, wow. Time with friends, moving on. Happy single, living in the moment and having fun. तो आप ऐसे काफी लोग फोन पे लोगों से बातें करने वाले हैं, अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, मूव ऑन करने वाले हैं पास की चीजों से, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि जो सामने वाले पर्सन ने आपके साथ चीजें करी हैं वो उनके अपने इश्यूज थे, उसमें आपका कोई रोल नहीं था, आप में कोई कमी नहीं थी या आपने कुछ गलत नहीं किया था. वो चीज आपको अब रियलाइज होगी कि उन्होंने जैसा भी आपके साथ बिहेव किया वो उनकी अपनी खुद की सोच की वजह से या अपने खुद के डर की वजह से, फियर की वजह से उस पर्सन ने ऐसा बिहेव किया. क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर किसी पर्सन ने आपको या तो चीट किया है या धोखा दिया है और चीज से बहुत अच्छी तरीके से बाहर नहीं आ पाए हैं, चाहे कितना टाइम हो चुका है यहाँ पर. प्लीज यूनिवर्स, वी हैव द कार्ड लव कॉल. समवन एक्सप्रेसेस लव, कोई पर्सन आपको लव एक्सप्रेस कर सकता है. कोई एक ऑफर आपकी लाइफ में आ सकता है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, बट अगेन हो सकता है आप किसी पर्सन से इन फ्यूचर बात करो जहां पर काफी लंबी बातें आप दोनों की चले एंड आप लोग काफी कुछ डिस्कस करो. A message of love, thinking of you and letting you know. So again, कोई मैसेज आ सकता है प्यार का जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कोई अपनी फीलिंग्स का, भावनाओं का इजहार यहाँ पर कर सकता है, ये चीज भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है. Girl with a snake, empath and narcissist. Being charmed or use enable boundaries. In future बहुत important है कि आप अपने जीवन में इर्द गिर्द boundaries बनाएं. Again क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चीज दिख रही है कि हो सकता है कि आप, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि लोग आपको कुछ भी बोल रहे हैं और आप सब कुछ सुन लेते हैं, लेकिन अब उस चीज में बदलाव और चेंज आएगा. आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे, उससे ये सारा चेंज आएगा, चाहे फ्रेंडशिप में हो, घर के रिलेशनशिप में हो, या नॉर्मल लाइफ या करियर में हो. जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, जब अपने लिए खड़े होगे, अपने लिए आवाज उठाओगे, बोलोगे, तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी. लव लाइफ में भी बदलेंगी और करियर में भी मुझे यहाँ पर काफी बदलते हुए दिखाई दे रही है. कोई डेट पे आप जा सकते हो. की ऑन द रिंग, ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस आ सकते हैं इन फ्यूचर डिसीजंस. तो अगेन आप में से कुछ लोग डेट पे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जा सकते हैं, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऑप्शंस यहाँ पर हो सकते हैं. ओके, एक यहाँ पे एक और ये एडवाइस आ रही है कि आपके यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं, एक से ज्यादा है या कुछ भी ऐसा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई उनमें से एक फ्रेंड है जिसकी आपको बहुत ज्यादा ब्लाइंडली एडवाइस को फॉलो नहीं करना चाहिए, कि आप बिल्कुल आंख बंद करके जैसा वो बता रहे हैं ऐसा आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो काफी जानते हैं. तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है. तो अपने दिल को फॉलो करिए, आपको जो सही लगता है वो फॉलो करिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए और कार्ड निकालते हैं आपके लिए कि एंजल आंसर कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. एंड फ्रेंड्स, रीडिंग मैच करे तो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताइएगा जरूर. इट्स अप टू यू. सो यस, इट्स अप टू यू कि आप कितनी जल्दी इस एनर्जी में आते हैं जहां पर आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं. एंड एक बात कहना चाहूंगी, जब तक इस एनर्जी में नहीं आओगे ना, बहुत लोग आपको ऐसे लाइफ में मिलेंगे जो कि आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे. सो दैट यू कैन लर्न दिस लेसन कि आपको असर्टिव बनना है, अपने लिए खड़ा होना है. लेट गो का कार्ड आया, तो कुछ चीजें यहाँ पे आपको लेट गो करनी पड़ेगी, जो पांच की चीजें मुझे दिख रही है. गेट मोर इंफॉर्मेशन. किसी भी नए कनेक्शन में कूदने से पहले या उस कनेक्शन में आने से पहले कोशिश करिए अच्छी तरीके से उस पर्सन के बारे में जान लीजिए, तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए. एक और कार्ड निकालेंगे. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर टू. क्या मैसेज आप इन्हें देना चाहते हैं? इन डिसीजन, आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ. जैसे कि मैंने अभी कहा, किसी और की एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा. अपनी खुद की जो इंट्यूशन आपको बताती है उस पर गौर करिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. पाइल नंबर टू, रिग्रेट.
पास्ट की चीजों से कोई निराशा है तो वो मत करिए, बिकॉज यहाँ लिखा है आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। मैं अपने पास्ट को बदल नहीं सकता या बदल नहीं सकती, तो इस चीज को लेके आप निराश रहने का कोई फायदा यहाँ पर नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना, हो सकता है किसी और को भी ये हेल्प कर जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं। पिक अ कार्ड्स और देखना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम का यहाँ यूजर नेम आ रहा होगा, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ना कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, इससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने द एशियंस का कार्ड चूज किया है, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ओके, सो द एशियंस का कार्ड जो है वो बात करता है कि बेसिकली इस कार्ड की एक स्टोरी है कि जितने भी पेड़ हैं, नेचर है, या जितने भी सोल इस प्लैनेट पे आए हैं, बेसिकली वो अर्थ में समा गए हैं और अर्थ को सपोर्ट कर रहे हैं, कि वो आपके एंसेस्टर्स हो गई, स्पिरिट गाइड्स हो गई, या जो स्पिरिट एनिमल्स के बारे में हम बात करते हैं, वो वाली एनर्जी यहाँ पर है कि वो आपको कह रही है कि आपने अपनी लाइफ में जितनी एफर्ट लेने थे, जितना कुछ खुद से करना था आपने कर लिया है, नाउ इट्स अ टाइम कि आप इन लोगों से हेल्प मांगिए, भगवान, स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, एंड उन पर चीजें छोड़ दीजिए। ये आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में हो सकता है काफी चीजें जो है वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चल रही हैं। डिवाइन टाइमिंग अगर हम कहें तो कि यूनिवर्स, किस्मत के हिसाब से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि अब आप अपने ऊपर ये पूरा बर्डन मत लीजिए, ये हम पे छोड़ दीजिए एंड हमें ये काम करने दीजिए। तो थोड़ा सा फेथ, ट्रस्ट और विश्वास रखिए भगवान में, अल्लाह, यूनिवर्स में, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। अगर आप लोग नेचर से कनेक्ट होते हैं, एनिमल्स से कनेक्ट होते हैं, अगर आप जो भी आपके घर के आसपास एनिमल्स हैं उनको अगर आप खाना देते हैं, कुछ ना कुछ खिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लव लाइफ में बहुत आपको हेल्प करेगी। चीज़ ये यहाँ पर एक इंट्यूटिवली एक रेमेडी मुझे आपके लिए फील हो रही है, पाइल नंबर 3। थैंक यू यूनिवर्स। पहले हम देखेंगे कि आपकी करेंट लव एनर्जी क्या है। कुछ लोग जो है वो बहुत टाइम से यहाँ पर सिंगल है, पाइल नंबर 3 के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, काफ़ी साल हो चुके हैं कुछ लोगों को, बहुत टाइम से किसी एक पर्सन का आप लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है कायरॉन हीलिंग। ओके, सो यस, बिल्कुल सही कार्ड है, कायरॉन हीलिंग का अगर यहाँ पर कार्ड है तो बेसिकली ये कार्ड बात करता है, कायरॉन एक ऐसा पर्सन था जिसने जो दूसरे लोगों को हील करता था और अपने आप को भी हील करता था। जख्मी होता है ये पर्सन, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द लियो का कार्ड विद कायरॉन मुझे यहाँ पर बात करता है। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा आप जो अपने आप को लेके फील करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस हो गया एंड क्रिएटिविटी हो गई, उस चीज़ में आपकी कहीं ना कहीं एक हीलिंग लाइफ में चल रही है। जैसे कि एक सोलर प्लेक्सस मुझे दिख रहा है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, इस पर बहुत वर्क चल रहा है जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। इस कार्ड से भी मुझे ये येलो कलर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप येलो कलर पहनते हैं या कोई येलो कलर का कपड़ा अगर अपने घर में ऐसी जगह बांध देते हैं जहाँ से आपको रोज़ाना दिखाई दे, तो शादी करने के लिए बहुत अच्छा रेमेडी भी माना जाता है ये। तो वही चीज मुझे यहाँ पर कुछ दिख रही है आपकी लव लाइफ को लेके, कि यहाँ पर एक सोलर प्लेक्सिस की हीलिंग हो रही है, जहाँ पर बहुत जरूरी है कि एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों के लिए पाइल 2 थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आपको देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर बहुत थोड़ी सी एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा तो नहीं आ रही है। पाइल नंबर 3 के स्पिरिट गाइड्स, इनकी करेंट एनर्जी क्या है, पाइल नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, हैव सम पेशेंस फ्रेंड्स। स्पिरिट गाइड से आंख बंद करके अपनी विश मांगिए कि क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में सिंगल्स के लिए। वाओ, टेम्परेंस अगेन, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, एम्परर, वाओ, अमेजिंग, सन, वाओ, अगेन येलो कलर, सन, दिस इज रियली अमेजिंग। ओके, सो बेसिकली मुझे जो यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए दिखा रहे हैं कि डिवाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपका जो सोल है ना, वो एक एग्रीमेंट करके आया है,
कि उसको ये चीज़ें सीखनी है इस जन्म में, और वही चीज़ आप इस टाइम सीख रहे हो। सबसे पहले अपने इमोशंस को बैलेंस करना आप सीख रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि शायद आपकी जो सेंसिटिविटी है, जो आप इमोशनल हो, वो आपकी वीकनेस है, बट ऐसा नहीं है। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे हीलर भी दिखाई दे रहे हैं, बेशक आप कोई भी काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, काफ़ी हीलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड एम्परर इज समवन जो कि बहुत मैच्योर इंसान है, बहुत ही स्ट्रांग एक पर्सन है, जो कि अपने आप की बहुत रिस्पेक्ट करता है, जिस इंसान को पता है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए है, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। एंड आप में से कुछ लोग अपना खुद का नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप में या अकेले भी। कुछ लोगों का मुझे कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी का यहाँ काम दिख रहा है अभी या आने वाले फ्यूचर में, वहाँ आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। कुछ लोग इवेंट प्लानिंग या फिर होटल मैनेजमेंट वाली चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। एंड अगेन विद द सन एंड इतने अमेजिंग 1, 2, 3 मेजर अरकाना आए हैं, तो सबसे पहली बात तो आपकी लाइफ में इस टाइम कुछ मेजर साइकिल चल रही है जहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। कुछ ना कुछ आपकी एक प्लैनेट पोजीशन यहाँ पर चल रही है, जो शायद आपको किसी पंडित के पास जाओ तो वो आपको बोले कि बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, राहु का टाइम चल रहा है या केतु का टाइम चल रहा है, इस तरीके की कोई चीज़ यहाँ पर आ रही है। लेकिन वो चीज़ आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प कर रही है, जो आगे जाके आपको आपके डिवाइन पार्टनर से मिलवाने वाली है। पाइल नंबर 3, लाइक आई कैन एक्चुअली राइट दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपके डिवाइन पर्सन से मिलवाने के लिए चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपका सोल जो है ये एग्रीमेंट करके आया है कि मुझे ये सारी चीज़ें इस प्लैनेट पे सीखनी है। कैन यू सी दैट? आपका सोल इतना एडवांस है, आप स्टार सीड हो सकते हो, जहाँ पर आप सारे हो सकते हैं, आप नेचर से बहुत कनेक्टेड फील करते हो, एनिमल से आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो, वो वाली चीज़ भी मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रही है कार्ड्स के अंदर। एंड बहुत ही प्लेजेंट सी एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों की, फायरी भी है, एरीज लियो सेजिटेरियस आप लोग हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं, साइन पे बहुत ज़्यादा मत जाइएगा, बट हाँ ये एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रही है। सो चलिए देखते हैं कि क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स टू हेल्प मी टू हेल्प देम टू गाइड देम टू हील देम। इनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है स्पिरिट गाइड्स, एशियंस, एशियंस की लव लाइफ में क्या आने वाला है? पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, वाओ, जस्टिस, किसी चीज पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है या खराब हुआ है, तो चीजें आपको इस टाइम काफी बैलेंस महसूस होने वाली हैं फ्यूचर के अंदर। बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो। एंड कोई एम्परर पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, कि कोई बहुत मैच्योर पर्सन है जो आपकी कदर करते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपको समझते हैं और आपकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब ऐसे कोई पर्सन दिख रहा है जो कि आपको देख के बोले कि वाओ, मुझे हमेशा से ऐसे ही पर्सन चाहिए था। कुछ लोग लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको किसी फैमिली के थ्रू ऐसे कोई पर्सन मिल सकते हैं या कम्युनिटी के थ्रू ऐसे कोई पर्सन मिल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आपके लिए इस एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मेल है या फीमेल है, जो कि एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मीन कि कोई एक पर्सन जो बहुत कॉन्फिडेंस है अपने आप को लेके, अपनी अपीयरेंस को लेके, जैसे भी जो दिखते हैं, अपने टैलेंट्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंस है, वो वाली कॉन्फिडेंट वाली चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एंड आप में से काफ़ी लोगों के पास बहुत टैलेंट भी है, बहुत स्किल्स हैं, जिनकी शायद आप कदर नहीं करते हैं, बट आपको करनी चाहिए। कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बात करते हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं, लोगों को कन्विंस भी कर लेते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ आपकी यूनिक एनर्जी है कि जहाँ आप जाते हैं अलग से ही दिखते हैं, उस तरीके की मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल एंड यू नो एक अच्छी फिजीक बॉडी वाले लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप ऐसे कुछ लोग स्पोर्ट्स में भी हो, वो वाली चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। तो यस, इन फ्यूचर जो मुझे दिख रहा है कि आपकी फ्रेंड्स बन सकते हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें बैलेंस होगी एंड आप बहुत कुछ अपने लव लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। चलिए थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं बाकी के कार्ड्स के थ्रू कि क्या आने वाला आपकी लव लाइफ में। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 3, द एशियंस, एशियंस की स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हमें बताइए क्या आने वाला है। द रनर, थैंक यू, क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में, क्या आने वाला है।
ट्विन फ्लेम्स, आई टोल्ड यू डिवाइन पार्टनर, यूनियन के लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है, जो ओके सोलमेट, वाओ व्हाट शुड आई से। और बॉटम ऑफ द डेक हीलिंग हार्ट है, तो उस कार्ड को मैं जरूर लूंगी बिकॉज मुझे ये ड्यूटिफुली लग रहा है। तो आप किसी चीज से अपने हार्ट को हील करने वाले हैं, हो सकता है या तो आप पहले बहुत ज्यादा कोड डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहे हो, या इन फ्यूचर कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो इमोशनली बहुत ज्यादा मैच्योर ना हो, और शुरू में वो पर्सन आपको दिखाए कि वो बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है, बट बाद में आपको रियलाइज हो कि उनको एक रनर वाली टेंडेंसी है, कि जैसे उनको कोई पास आता है तो वो भागना शुरू कर देते हैं, या फिर फियर है उनको इंटिमेसी से, कनेक्शन से डर लगता है, वो वाली यहाँ पर एक एनर्जी है। हीलिंग हार्ट का कार्ड बात करता है healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. तो अगेन बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये कार्ड बात करता है कि आप अपने हार्ट को इन फ्यूचर हील करने वाले हो। और एक और चीज कहूंगी, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है कि या तो फ्रेंड सपोर्ट कर रहा है या कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है पाइल नंबर थ्री, किसी भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं, आप खुद से बहुत स्ट्रांग है पाइल नंबर थ्री, आप खुद से अपनी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। शायद आप अपनी अपने आप में इतना बिलीव नहीं करते हैं, बट मैं आप में बहुत बिलीव करती हूँ, आपकी स्पिरिट गाइड्स तो बहुत ज़्यादा आप में ट्रस्ट करती हैं कि आप खुद से अपनी लाइफ में चीज़ें बिल्कुल सही कर सकते हो, अगर आप यू नो खुद से अपनी लाइफ का कंट्रोल हाथ में लेते हो तो, क्योंकि आप में बहुत टैलेंट है, बस प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को उस लाइट में, उस नज़र से देख नहीं पाते हो। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ होने वाली है कि आप अपने आप को उस लाइट में देखोगे कि आप कुछ हो और बहुत स्पेशल और यूनिक हो, एंड देन यू विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। हो सकता है आपके पास बहुत सारे लोग आए, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट के लोग भी वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि उनको इतना शॉकिंग लगेगा कि आपकी एनर्जी और ऑरा में इतना चेंज आ गया है। तो ऑब्वियसली बात है, इस टाइम पे फिर हम बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी अट्रैक्ट करते हैं जो टॉक्सिक भी होते हैं, तो वो वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। एंड ट्विन फ्लेम के कार्ड पे यहाँ पर लिखा है जेन, बैलेंस, यूनियन, ड्यूअलिटी, कपलिंग, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो अगेन वही सेम चीज कि यूनियन के लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, इन फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट आने वाला है। 3 and 6, 3 months, 6 months, 3 weeks, 6 weeks बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई का कार्ड है, ओके कुछ लोगों को ये पर्सन अपनी हायर स्टडीज में मिल सकते हैं, या फिर अगर आप एब्रॉड जा रहे हैं किसी काम को करने के लिए, पर्सन वहां मिल सकते हैं आपको, कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि नॉट फॉर एवरीवन, तो स्ट्रेस मत लीजिएगा कि मैं अपनी लाइफ में अभी यहाँ पर नहीं हूँ या वहां पर नहीं हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, कुछ क्रिएटिव आपने किया होगा जिसकी वजह से आपकी काफी प्रशंसा हो रही होगी, लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे, और फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई पे लिखा है बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट, थिंग्स कमिंग टू लाइट, एडॉप्ट, चेंज एंड हील। तो अगेन आप आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में आप चेंज होने वाले हैं, एडजस्ट करने वाले हैं, हील होने वाले हैं, जिससे अगेन आपका जो ऑरा है वो मुझे इतना ब्राइट दिख रहा है पाइल नंबर थ्री, ट्रस्ट मी बहुत अमेजिंग ऑरा है यहाँ पर। वाइट, कुछ लोगों का ग्रीन बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, व्हाइट तो बहुत स्ट्रांग है ही यहाँ पर। ओके सो लेट मी सी विद एडवाइस कार्ड, कि एडवाइस कार्ड क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। ओके एंजल आंसर कार्ड्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर थ्री के लिए रिमेन पॉजिटिव। वाओ यस, पॉजिटिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, क्योंकि यही पॉजिटिविटी आगे जाके आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव करेगी। तो पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत सोचिए, वही चीज की छोड़ दीजिए, आपके लिए बेस्ट पर्सन है वो मिलेगा। लुक फॉर अ साइन, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ साइन दे रही है जिसे आपको देखने की बहुत जरूरत है। और ये कार्ड भी निकला था तो मैं रख रही हूँ रोमांस। सो अगेन अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे दो लोग हैं, ट्विन फ्लेम स्ट्रांग आ रहा है, बट ट्विन फ्लेम टैग में बहुत यूज नहीं करती हूँ, आई एम सॉरी। तो मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग डिवाइन कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो आपकी लाइफ में इन फ्यूचर आने वाले हैं। चलिए बाकी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। पाइल नंबर थ्री के लिए स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज है। ब्लेम, आई एक्सेप्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग अगेन।
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से एक्सेप्ट करिए, दूसरे लोगों को ब्लेम मत करिए। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग, अपनी खुद की चीज़ों के लिए, अपनी खुद की वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो मैं खुद से उठाता हूँ या उठाती हूँ, दूसरों पर डिपेंड नहीं होता हूँ। बहुत अच्छी यहाँ पर चीज़ आई है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3। एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपको बेशक ये फील हो या ना हो, पाइल नंबर 3 आप लोग काफ़ी लकी हैं। कुछ ना कुछ लक के थ्रू आपको इन फ्यूचर मिल सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिल सकती है या कुछ ऐसी जॉब मिल सकती है। मुझे दिख रहा है कि आपके स्टेटस में बहुत चेंज आ सकता है, या तो शादी के बाद या फिर करियर के थ्रू। कुछ ना कुछ आने वाले 5 साल में ना पाइल नंबर 3, आई एम डूइंग द प्रेडिक्शन फॉर यू गाइज कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ होने वाली है, जहाँ पर आप बहुत लकी अपने आप को फील करोगे। कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी, आप उसे ग्रैब भी कर पाओगे, चाहे करियर में हो, लव में हो, कैसे भी हो। जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों यहाँ पे स्टमक का इश्यू हो सकता है, तो स्टमक का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है स्टमक या बैक, वो वाली चीज़ यहाँ पर आ रही है। सो अगेन, अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके करा सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, यूजर नेम यहाँ पर आ रहा होगा। एंड प्लीज ये वीडियो शेयर करेगा, हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के भी ये काम आ जाए। एंड वीडियो को लाइक जरूर करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा चैनल को, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाऊं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।